इंटीग्रेशन रूट 4x² प्लस 9 dx, इंटीग्रेशन रूट, सबसे पहले हम x² का कोफिशिएंट 1 करेंगे, 1 करने के लिए हम 4 कॉमन निकाल लेंगे, तो यहाँ पर आएगा x² प्लस 9/4 dx, इंटीग्रेशन 4 का रूट 2, रूट x² प्लस 9/4 को हम लिख सकते हैं 3/2 का स्केयर dx, 1/√x² प्लस ए स्केयर का इंटीग्रेशन होता है 1/2 x रूट ए स्केयर प्लस एक्स स्केयर प्लस 1/2 a² लॉग एक्स प्लस रूट ए स्केयर प्लस एक्स स्केयर प्लस सी। तब यहाँ पर एक्स की वैल्यू तो एक्स ही है और ए की वैल्यू है 3/2, तो इसका इंटीग्रेशन आएगा पहले 2 एज इट इज़, फिर मल्टीप्लाई, पहले 1/2 है, फिर एक्स, एक्स की वैल्यू तो एक्स है, रूट ए स्केयर, ए की वैल्यू 3/2 स्केयर प्लस एक्स स्केयर, फिर प्लस 1/2 a² मीन्स 3/2 स्केयर, फिर है लॉग एक्स प्लस रूट ए स्केयर, ए स्केयर की वैल्यू 3/2 स्केयर प्लस एक्स स्केयर प्लस सी। पहले हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से 2 कैंसिल, तो ये आएगा एक्स रूट 3/2 का स्केयर 9/4 प्लस एक्स स्केयर, फिर प्लस है, फिर 2 को इस वाले टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये वाले 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल, तो ये आएगा 3/2 का स्केयर 9/4, फिर है लॉग एक्स प्लस रूट 3/2 का स्केयर 9/4 प्लस एक्स स्केयर प्लस सी। एक्स रूट 9/4 प्लस एक्स स्केयर प्लस 9/4 लॉग एक्स प्लस रूट, एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा 4, 9 प्लस 4 को एक्स स्केयर के साथ मल्टीप्लाई किया 4x² प्लस सी। एक्स रूट, एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा 4, 9 प्लस 4 को एक्स स्केयर के साथ मल्टीप्लाई किया 4x² प्लस 9/4 लॉग एक्स प्लस रूट 9 प्लस 4x², 4 का रूट 2 प्लस सी। एक्स 4 का रूट 2/2 रूट 9 प्लस 4x² प्लस 9/4 लॉग, एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा 2, 2 को एक्स के साथ मल्टीप्लाई किया 2x प्लस रूट 9 प्लस 4x² प्लस सी। एक्स 2 रूट 9 प्लस 4x² प्लस 9/4 लॉग m/n, इसकी प्रॉपर्टी होती है लॉग m माइनस लॉग n। तो भी यहाँ पर m की वैल्यू ये वाली सारी टर्म है और n की वैल्यू 2 है, तो ये आएगा लॉग 2x प्लस रूट 9 प्लस 4x² माइनस लॉग 2 प्लस सी। एक्स 2 रूट 9 प्लस 4x² प्लस, मल्टीप्लाई करेंगे 9/4 को पहले लॉग के साथ, 9/4 लॉग 2x प्लस रूट 9 प्लस 4x², फिर 9/4 को लॉग 2 के साथ, लॉग 2 प्लस सी। अब ये वाली सारी टर्म कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट है, कांस्टेंट प्लस कांस्टेंट कांस्टेंट, तो ये आएगा एक्स 2 रूट 9 प्लस 4x² प्लस 9/4 लॉग 2x प्लस रूट
नाइन प्लस फोर एक्स स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट। इंटीग्रेशन रूट एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस फाइव डी एक्स। इंटीग्रेशन रूट एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस फाइव। अब यहाँ पर x का कोफिशियन 2 है तो हम 2 को 1 ओवर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कैंसिल करके आएगा 1। फिर हम 1 का स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 1। अब ये वाला 1 हम ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे डी एक्स। इंटीग्रेशन रूट एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस 1 फाइव माइनस 1 प्लस 4 डी एक्स। इंटीग्रेशन रूट एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस 1 को हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर प्लस 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर डी एक्स। इंटीग्रेशन रूट तो अब ये फॉर्मूला बन रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी। तो इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी होल स्क्वायर। तो अब यहाँ पर ए की वैल्यू एक्स है और बी की वैल्यू 1, तो ये आएगा x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर एज इट इज डी एक्स। रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है 1 ओवर 2 एक्स रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर 2 ए स्क्वायर लॉग x प्लस रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो अब यहाँ पर x की वैल्यू x प्लस 1 है और a की वैल्यू 2 है, तो इसका इंटीग्रेशन आएगा पहले 1 ओवर 2 फिर x, x की वैल्यू x प्लस 1 फिर रूट ए स्क्वायर टू स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर मीन्स x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 1 ओवर 2 ए स्क्वायर मीन्स 2 का स्क्वायर फिर है लॉग x, x मीन्स x प्लस 1 प्लस रूट ए स्क्वायर मीन्स 2 स्क्वायर प्लस फिर है एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस सी। 1 ओवर 2 एक्स प्लस 1 रूट 2 का स्क्वायर 4 प्लस एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर। इस पे फॉर्मूला लगेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस एक टू से एक टू कैंसिल तो ये आएगा 2 लॉग एक्स प्लस 1 प्लस रूट 2 का स्क्वायर 4 प्लस एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर। तो इस पे फॉर्मूला लगेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 एक्स प्लस सी। 1 ओवर 2 एक्स प्लस 1 रूट एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस फोर प्लस 1 फाइव प्लस 2 लॉग एक्स प्लस 1 प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस फोर प्लस 1 फाइव प्लस सी।